HIV से रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट को देखने का तरीका ये है कि जब आप इस चैनल की मेन पिक्चर को क्लिक करेंगे, यानी जहां पर मैं एप्रिन में हूं, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर चैनल का मेन होम पेज दिखाई देगा। उसमें सबसे पहले लिखा होता है होम, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, उसमें आपको तीन कैटेगरीज दिखाई देंगी, जिसमें आपको कलर विजन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, आपको हाइड्रोसील से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, और वहां पर आपको HIV से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे। तो आपको एक बार उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर सर्च करना है और उसमें जाकर HIV से रिलेटेड वो वीडियोस जरूर देखने हैं, बिकॉज उसमें हर एक वो टॉपिक आपको वहां मिलेगा जैसा आप सोचते हैं कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से हमें HIV हो जाए या इस कारण से हो जाए, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने वहां पर कवर किए हैं। बट उसके साथ साथ जो भी नए कमेंट्स आप मुझे करते जा रहे हैं, मैं उनको भी इसमें इंक्लूड करता जा रहा हूं, और फिर मैं इन सारी वीडियोस को भी उस प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दूंगा, जिससे आप जब चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो आई होप आप वो प्लेलिस्ट जरूर क्लिक करेंगे और उससे वीडियो जरूर देखेंगे। व्यूअर्स, आपका एक कॉमन सवाल सबसे ज्यादा मुझे जो मिला है वो ये है कि अगर हम किसी एक पार्टनर से मिलते हैं कंटिन्यूअसली कई बार, तो क्या हमें HIV हो सकता है? तो फॉर योर कार्ड इंफॉर्मेशन, इसको बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसको HIV नहीं है, तो आपको HIV नहीं होगा, बिकॉज HIV फिजिकल रिलेशन बनाने से खुद जनरेट नहीं होता है, बल्कि अगर किसी में है तब ये एक से दूसरे में जाता है। इस पर खास तौर पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि HIV एक से दूसरे में फैलता कैसे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। अब फिर बात करते हैं कि आपके सवाल की, कि आपने उसे ये पूछा है कि क्या एक व्यक्ति से अगर हम कई बार मिलते हैं तो ये हमें हो सकता है, या किसी एक व्यक्ति से भी दो तीन लोग पहले मिले हों और उसके बाद हम मिलते हैं तो क्या ये हमें हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, जिससे कि आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। साथ ही साथ अगर ये आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति से कई लोग मिले हैं तो उनमें से अगर किसी को नहीं है तो उस व्यक्ति को वो HIV नहीं होगा, और अगर उससे फिर आप मिलते हैं तो आपको भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर समस्या ये होती है कि जो अदर व्यक्ति हैं, कोई भी बंदा है, अगर उस एक व्यक्ति से मिला है तो ये नहीं पता चलता कि उनमें से तो किसी को नहीं है, क्योंकि इसके कोई साइनल सिम्टम्स तो होते नहीं है HIV के, ऐसे कि किसी को फेस से देख के आप बताएं या कोई जल्दी से किसी के अंदर कोई सिम्टम ऐसे दिखने लगे कि आप ये कहें नहीं वो दिखने से ही पता चल रहा है कि HIV पॉजिटिव, वो भी नॉर्मल दिखेगा। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि जब भी किसी से फिजिकल रिलेशन बनाए तो वहां पर आप प्रोटेक्शन का यूज करें, कॉन्डम का यूज करें, तब आप वहां पर सेफ रह सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको आपको समझना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी है कि अगर एक व्यक्ति से बहुत सारे लोग मिले और उससे मैं मिला तो क्या मुझे HIV हो जाएगा वहां से? तो उसमें भी ये सेम उसका आंसर है कि अगर उस व्यक्ति को है या उससे जितने लोग मिले हैं उनमें से किसी को अगर एक को है तब उसको होगा, और उससे फिर आपको होने की संभावना है। और अगर उस पार्टनर से जितने भी लोग मिले उनमें से किसी को नहीं है तो उसको नहीं होगा, और उससे उसको नहीं है तो फिर आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से इसकी एक चेन है। कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि शायद कई लोग जब एक पार्टनर से मिलते हैं तब HIV बन जाता है, यानी खुद जनरेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, HIV खुद जनरेट नहीं होता, बल्कि HIV कुछ लोगों में है, यानी कुछ मेल में है और कुछ फीमेल्स में है। अब अगर उनसे कोई फ्रेश व्यक्ति मिलता है जिसको HIV नहीं है तो वो बीमारी उसके अंदर आ जाएगी। फिर वो व्यक्ति जब किसी और से मिलेगा तो उसके अंदर वो चली जाएगी। फिर जब वो व्यक्ति किसी और से मिलेगा तो वो उसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये बीमारी एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से लोगों में फैलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो पार्टनर अगर हैं और वो दोनों ही नेगेटिव हैं, उनके अंदर ये बीमारी नहीं है, वो बार बार मिलेंगे तो उनको ये बन जाएगी मिलने से। ऐसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ भी तो होते हैं और वो जीवन भर साथ में रहते हैं, तो क्या उनको HIV हो जाता है या उनकी फैमिली में किसी को होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर दो लोग हैं
और उनके किसी दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इससे ये है कि वो सेफ हैं और उनके अंदर बीमारी नहीं है, तो ये बीमारी जनरेट भी नहीं होगी। तो ये जो कन्फ्यूजन आपके अंदर है कि क्या दो पार्टनर अगर आपस में मिलते हैं और उनको ये बीमारी नहीं है तो क्या ये बीमारी हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी खुद जनरेट नहीं होती, ये किसी में है, उससे किसी में आएगी और उससे आपके अंदर आ सकती है और हमें बचा सकता है सिर्फ हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो है कॉन्डम। कॉन्डम के लिए पंच लाइन थी जो थोड़ी सी फनी भी है, और वो ये है कि बहुत समय पहले एक मीटिंग में कहा गया कि अगर जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो मार्केट में और दूसरे प्रोडक्ट बेचती हैं, तो अगर उनकी तरह से हम इस प्रोडक्ट को सोचें जो कॉन्डम है, तो वो कैसी एक पंच लाइन बनेगी। जैसे कि कोलगेट में कहते हैं कि कोलगेट अगर हम इससे ब्रश करते हैं तो ये है हमारा सुरक्षा चक्र, तो अगर हम इसे कॉन्डम के संदर्भ में लें तो कॉन्डम अगर आप यूज़ करते हैं तो ये है आपका सुरक्षा चक्र। दूसरा, अगर हम इसे टाटा स्काई को ले लेते हैं जो हमारी डिश टीवी है, तो अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो याद रखिए, एक छोटी सी समझदारी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, और खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। तो अगर आपके कुछ फिर भी सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देखें और उससे अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें जिससे आप हमें कमेंट कर सकें और हम आपको रिप्लाई कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।